एक तो आपको थोड़ा सा सूबे से जो आकलन इकट्ठा है वो मैं बताऊंगा। पहले राउंड का वोट पड़ चुका, दूसरे राउंड का प्रचार बंद हो जाएगा, वहां से भी आवाज आ रही है। मैं दावे से कहता हूं, जिंदगी में जितने चुनाव मैंने लड़े कभी नहीं हारा, 10 चुनाव लड़ा है, मेरा अंदाजा हमेशा सही नहीं करता। मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इन दोनों राउंड में तो हार चुकी है। 100 का आंकड़ा नहीं पड़ने जा रही है, 10 मार्च का जो सूरज निकलेगा वो तो भाजपा राज्य होगा, और जब सूरज अस्त होगा तो उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का छल छद्म झूठ पाप की सरकार का अंत हो जाएगा। ये देखो चुनाव किस मुद्दे पे होगा, चुनाव होगा 5 साल के भाजपा के जो कार्यकाल रहा है उस पर होगा। क्या भाजपा ये बता रही कि हमने महंगाई कम कर दी? क्या भाजपा ये बता रही कि हमने नौकरियां दे दी, बेरोजगारी खत्म की? क्या भाजपा ये बता रही है कि हमने ये काम ऐसा किया है जिस पर हमको वोट मिलना चाहिए? भाजपा को ठीक है, मुसीबत में होता है। अब अब्बा जान याद आ रहा है, अब्बा जान याद आ रहा है। भाजपा को क्या याद आ रहा है? कब्रिस्तान याद आ रहा है। ठीक कर रहे हो, जहां जाना है अगर वो याद आ जाए पहले से तो अच्छा है। तुम्हारी सरकार को मैं जाति किसी के बारे में कुछ नहीं कहता व्यक्तिगत, लेकिन हाँ तुम्हारी सरकार के लिए कब्रिस्तान इंतजार कर रहा है सबका, और क्यों इंतजार कर रहा है? पूछे, अब पूछे। अब योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को लावारिस पार्टी बताया, तो सर क्या लग रहा है जो पश्चिम चुनाव हुआ है, क्या उसका भी कुछ असर दिख रहा है क्या इन सब भाषणों के बाद? हाँ जरूर दिख रहा होगा, जब हार दीवार पे लिखी इबारत साफ हो जाती है तो दिमाग काम नहीं करता। मुख्यमंत्री जी को याद दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी को गोरे अंग्रेज नहीं खत्म कर पाए, देश को आज़ादी उसने दिलाई दी। उस समय यही कहा जाता था कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा। तो ये काले अंग्रेज जो भाजपा वाले हैं ये कांग्रेस को ख़त्म करेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इसकी विरासत में हमारा खून है, गद्दारों का खून नहीं। अच्छा दूसरा सवाल यह है कि अभी जेपी नड्डा ने अपने पंजाब में कहा है कि 1984 में जो दंगे हुए थे उसमें कांग्रेस के नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो हिलते हैं, कहीं ना कहीं जो पंजाब के लोग हैं उनको दंगों के हिसाब से टारगेट किया जा रहा है वहाँ पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वजूद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में, और जब वजूद नहीं है हमेशा वो अकाली दल के सहारे रहे। 3 सीट मिल गई, 2 सीट मिल गई, यही उनके पॉलिटिकल हैसियत थी वहाँ। अब भाजपा ने भी, अकाली दल ने भी छोड़ दिया, तो अब उनका वजूद वहाँ खतरे में है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये कांग्रेस पार्टी है जिसने ज्ञानी जैल सिंह को सर्वोच्च प्रथम नागरिक बनाया था, ये कांग्रेस पार्टी है जिसने मनमोहन सिंह जी को 10 साल देश का प्रधानमंत्री रखा, उसके बाद भी अगर उनके ऊपर पेड़ गिर रहा है तो गिरे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। 1984 के दंगों में उन्होंने बताया कि कांग्रेस के हाथ जो खून से रंगे हुए हैं। मैंने आपसे जवाब दे दिया कि कांग्रेस के हाथ तिलक लगाते हुए मनमोहन सिंह के देखिए, कांग्रेस के हाथ ज्ञानी जैल सिंह के तिलक लगाते हुए देखिए, कांग्रेस के हाथ नहीं। अब मैं अगर ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ रंगा हुआ है उन्नाव की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ है, हाथरस की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ है, तो ये मेरी भाषा नहीं है। और भगवान के लिए कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना। सर अभी जो है पश्चिम में फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया है, मोदी जी ने कल कासगंज में कहा है कि 58 की 58 सीटें जीत रहे हैं, तो इस पर क्या लग रहा है? बड़ा अच्छा हुआ आपने ऐसी जगह सवाल नहीं पूछा जहाँ ऊपर छत थी, वरना गिर पड़ती। बड़ा अच्छा हुआ, एक बोलते हैं 58 की 58 जीत ली, दूसरे बोलते हैं कि हम 400 जीत लेंगे।
तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए ये फैसला जनता को करना है। और जितना मेरा अनुभव है, मैंने तो 9 चुनाव अपने लड़े हैं, 10 चुनाव 2 बेटी को लड़ाया है, हर बार विधानसभा में रहता हूँ। जो किसानों का गुस्सा है, नाराज़गी है, और जो वहाँ महंगाई का असर है, पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा से अच्छा समर्थक भी ये कह रहा है कि हाँ पहला दूसरा तीसरा हार रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन बाद में हम मेकअप कर लेंगे। तो मुझे लगता है मोदी जी के सामने टेलीप्रिंटर रहता है ना, उसी से बोलते हो, तो टेलीप्रिंटर में गलती से वो आंकड़ा आ गया जो 10 मार्च को आना था, 58। भाजपा 58 ही रहेगी 10 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश। लगातार नाराजगी की बात करी कि आप किसान नाराज हैं, किसानों का मेन मुद्दा है कि साहब बेसारा मवेशी जो है, आवारा जानवर है, वो परेशान बनते हैं, क्या विकल्प? इत्तेफाक से मेरे बगल जो बैठे हैं सलमान खुर्शीद साहब, आपके लिए तो चूंकि घर के, इसलिए आप उनका महत्व नहीं समझते। प्रतिज्ञा जो हमारा पत्र जारी हुआ है, प्रतिज्ञा यात्रा जो हमने की, जो हमने अपना क्या कहते हैं इसको, क्या नाम दिया इसको, इसको जो पहला वाला था वो तो ये वाला शक्ति विधान, इसमें हमने छत्तीसगढ़ पैटर्न पे इससे मुक्ति का रास्ता दिखाया है। और मुक्ति का रास्ता ये कि गोबर खरीदा जाए, उनको जिस खेतों में जानवरों ने चरा है उसका मुआवजा दिया जाए, हमारे घोषणा पत्र का अंग है, हिस्सा है। बनाया सलमान साहब ने, मैंने पढ़ा, आपने यहाँ नहीं पढ़ा, तो मैं इतने कह सकता हूँ कांग्रेस सरकार आने के, ये मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार के आने के 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ होगा और 2 महीने के अंदर छुट्टा जानवर की समस्या से उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिल जाएगी, 2 महीने के अंदर। हिजाम को लेकर राजनीति हो रही है, जो काम हाईकोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें मुझे क्यों बुलवा रहे हैं आप? उनका जो फैसला तो आया, कांग्रेस के छोड़ गए हैं, ये आप दिन छोड़ गए हैं, आप भी इंसान छोड़ गए, तो क्या सब कुछ सेट नहीं है क्या वो? देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, जब मौसम आता है तो बहुत लोग डालें बदल लिया करते हैं, हो सकता है उनको दूसरी डाल पसंद आई हो, उसमें चले गए हों, लेकिन मेरा 77 से जो एक्सपीरियंस है कि जल्दी लौटने वालों की कतार में सबसे पहले वही खड़े दिखाई पड़ते हैं जो छोड़ के जाते हैं। मैं आरपीएन सिंह और एक नाम बगल का है, पहले टर्म में मंत्री बना दिया, सांसद बना दिया, सब वर्किंग कमेटी दे दी, सब कुछ तो दिया, अब भारतीय जनता पार्टी में सबसे आखिरी कतार में दरी बिछा रहे हैं लोग जाते हैं। आप देखना जो इन लोगों के हसीन ख्वाब है, जब टूटेंगे ना तो फिर सलमान साहब क्या लाइन लगाएंगे। तिवारी जी आप अभी जो जिस तरीके से आप यूपी में बोल रहे हैं, आपको बुलडोजर से क्या डर नहीं लगता है, जो बुलडोजर अभी 10 मार्च को आने वाली बात हो रही है? देखिए 6 मुकदमे जिस आदमी पे कभी जिंदगी में शांति भंग का ना हो, मेरे ऊपर मुकदमे इसलिए चले कि मैं कांग्रेस का नेता हूँ, मुझे कहने में संकोच नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ। 6 मुकदमे एक घटना की मेरे खिलाफ मौजूदा सरकार ने 25 सितंबर को लिखा है, तो यार 6 मुकदमे, उसमें भी 307 वो जिसमें इन्होंने गिरफ्तारी पर से रोकी नहीं लगवा दी, वो मुकदमे ख़त्म करा दिए 25 सितंबर इस बीच में, तो 6 मुकदमे ज़्यादा और क्या करेंगे, वो हो चुका, झेल चुका। तो मेरी आवाज़, मेरे बाबा फ्रीडम फाइटर, मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर, मैं भी इस जो लड़े भाजपा के खिलाफ किसी फ्रीडम फाइटर से कम नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो जुल्म करना था वो कर चुके, मुझे डर और नहीं लगता, बुलडोजर का खतरा नहीं रह गया। बुलडोजर का ड्राइवर उतार दिया जाएगा 10 सितंबर को 10 मार्च को बुलडोजर का जो बैठा हुआ आदमी है, जिसको चलाना नहीं आता, जिसमें सिर्फ 2-3 कौमों के घर दिखाई पड़ते हैं, इसकी गोली भी चलती तो टखने में जो लगती है तो उस पर लिखा जाता है, जब नाम उसका तो 2-3 मिलते हैं। अब 2-3 मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, मई में शिमला बना देंगे, कब्रिस्तान बना देंगे, सब कुछ कर लेंगे, मई में पहले बिजली तो दे लो तब शिमला बनाना। मैं कहता हूँ योगी जी, हिंदुस्तान की
इसको लिख लीजिएगा, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, सबसे महंगी बिजली।